असल इटो बैक अगेन विद अनदर वीडियो और आज हम बात कर रहे हैं फ्रंट शोल्डर प्रेस मशीन की तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको गाइड कर दिया था कि स्मिथ मशीन की क्या इंपॉर्टेंस है शोल्डर वर्कआउट में तो आज हम जिस ट्रेनिंग का एंगल देख रहे हैं वो फ्रंट शोल्डर प्रेस फ्रंट शोल्डर प्रेस की ग्रिप कैसे होती है बैक का मैंने आपको बोला था कि नाइनटी एंगल बनना चाहिए जब आप बैक लगाते हैं इसी तरह जब फ्रंट में आपने लगाना है तो ये आपके शोल्डर का एज है जहां पे आपका डेल्टॉइड स्टार्ट होता है यहां पे इसके बाहर जो आपकी ग्रिप बनती है वो आपका फ्रंट शोल्डर का एंगल है अब मैं आपको बताता हूं आपके अपने रॉड के अकॉर्डिंग बनेगा मेरा जो एंगल बनता है वो यहां से बनता है ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से एल्बो बैक रॉड में साइड्स पे होती है इसी तरह फ्रंट के अंदर आपने इसको थोड़ा सा फ्रंट की साइड पे रखना है इस तरीके से और आपने शोल्डर को ऐसे अपलिफ्ट करना और चिन तक अपने लेके आना आपने लाइक दिस इसमें जब आप एल्बो अपनी थोड़ी फ्रंट साइड पे रखेंगे तो आपके स्ट्रेस जो है फ्रंट शोल्डर पे आएगा लाइक like दिस ये इसका एंगल है चिन तक आपने अपनी थोड़ी तक इसको रॉड को लेके आने इससे ज्यादा नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है इंजरी uh, के चांसेस बढ़ते हैं इससे आपने चिन तक लेके आना है और ऊपर आपने मैक्सिमम अपलिफ्ट करना है लाइक दिस एंगल था शोल्डर फ्रंट प्रेस का और इसका भी आप अपने अकॉर्डिंग वेट ऐड कर सकते हैं और इसका परफेक्ट एंगल जो था वो मैंने आपको गाइड कर दिया इस तरीके से आप करेंगे तो आपका शोल्डर जल्दी ग्रो करेगा सो गाइस दिस इज़ इट ये हमारी आज की वीडियो थी और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़